गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे वी रीड चैप्टर ट्वेल्व क्लास फिफ्थ टॉपिक इज सॉइल पेज नंबर 137 थर्टी वाई इज़ सॉइल इम्पोर्टेंट मिट्टी क्यों उपयोगी है क्यों महत्वपूर्ण होती है सोइल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स जो मिट्टी होती है वो सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है प्लांट्स एंड ट्रीज़ ग्रो इन द दॉयल प्लांट्स और ट्रीज़ सॉइल में ही ग्रो करते हैं सॉइल प्रोवाइड्स ऑल द मिनरल्स एयर एंड वाटर दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो मिट्टी ही पेड़ पौधों को मिनरल्स इट मीन्स खनिज हवा और पानी प्रोवाइड कराती है उपलब्ध कराती है जिसकी कारण ही पौधे वृद्धि करते हैं इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू द हॉट रेज ऑफ द सन और मिट्टी ही पौधों की जड़ों को गर्म सूरज की किरणों से बचाती है मिट्टी के कारण ही पौधों की जड़ें जो होती हैं वो सूरज की तेज किरणों से बची रहती हैं सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। मिट्टी ही कई सारे जानवरों को आवाज़ भी प्रदान करती है क्योंकि कई सारे एनिमल्स जो हैं वो सॉयल में ही रहते हैं Like insect, small animals such as the rats and many माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉयल मिट्टी में कई सारे इंसेक्ट कई सारे छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि चूहे और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट मीन सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते वो सभी कहाँ रहते हैं मिट्टी में रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रजेंट इन सॉयल एंड फॉर्म ह्यूमस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका काम क्या होता है उनका काम होता है कि जो पेड़ पौधों और जानवरों के बचे अवशेष जो होते हैं वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं मतलब उनका अपघटन कर देते हैं और ब्रेकडाउन कर देते हैं उनका ताकि मिट्टी जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है इससे क्या बनता है ह्यूमस खाद बनती है ह्यूमस कंटेंस न्यूट्रिय फॉर द प्लांट्स टू ग्रो और जो खाद होती है वो पौधों को वृद्धि करने के लिए न्यूट्री न्यूट्रिय प्रोवाइड कराती है पोषक तत्व तो देती है अदर ऑर्गेनिज्म सचेज अर्थवॉर्म्स डेग इन टू द सॉयल एंड इनक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉयल जो अर्थवॉर्म्स होते हैं इट मीन्स जो आ, केचुए होते हैं वो भी सॉयल में छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं जिससे क्या होती है मिट्टी में पोरोसिटी बनी रहती है उसमें एयर स्पेस बने रहते हैं मिट्टी में हवा जाती रहती है नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 138, हंड्रेड थर्टी एट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेलमेंट मेनटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की सहायता से मिट्टी में जो उपजाऊपन है जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बनी रहती है लेट एस फाइंड आउट विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेंट्स मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे आपको कुछ एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं एक्टिविटी फर्स्ट देखिए यू विल नीड सम पाउचेस पाउचे ट्रॉवर अ परमानेंट मार्कर एंड अ व्हाइट डिश एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास आपको ये सारी चीज़ें लेनी है बाय यूजिंग अ ट्रॉवल कलेक्ट सम सॉइल फ्रॉम थ्री डिफरेंट प्लेसेस आपको ट्रॉवल की हेल्प से तीन डिफरेंट प्लेसेज की सॉइल को कलेक्ट करना है आ गार्डन बेड दैट हैज़ लॉट्स ऑफ लीव्स आ रोड साइड एरिया वे आर वीड्स एंड वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग एंड आ सैंडी एरिया वे आर नो प्लांट्स कैन बी सीन आपको गार्डन की सॉइल लेनी है रोड साइड की सॉइल लेनी है और सैंडी एरिया इट मीनस जहाँ बालू वाला क्षेत्र रहता है वहाँ की मिट्टी लेनी है रिमेंबर टू मार्क योर प्लास्टिक पाउच एंड ट्रे सो दैट यू रिमेंबर द टाइप ऑफ सॉइल और आपको मार्कर से उस प्लास्टिक के पाउच में तीनों प्रकार की मिट्टी को अलग अलग पाउच में भर के उस पर मार्क कर देना है कि ये किस प्रकार की सॉइल है नाउ इन द लेबरेट्री एम्पिटी द सॉइल इंटू इंटू द वाइट पेपर ट्रे एंड स्प्रेड इट आउट आपको लेबोरेट्री मीन्स प्रयोगशाला में जाना है और वाइट पेपर से कवर जो ट्रे है उसमें तीनों सॉइल को स्प्रेड कर देना है लुक क्लोजली टू सी इफ़ यू कैन फाइंड एनी मूविंग इंसेक्ट और वाम्स आप उसमें देखिए कि उसमें कोई आपको छोटे मोटे इंसेक्ट या वाम्पस मूव करते हुए दिखेंगे वैन यू फाइंड दैम क्लियर द एरिया एट दैट टाइम लुक एट इट विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास आप मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से उस सॉइल को देखिए तीनों सॉइल को देखिए विच सॉइल हैट द मोस्ट इंसेक्ट एंड वाम्स इन दैम आप बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट या वाम्स आप किस में देखते हैं तो आपको गार्डन सॉइल में ही सबसे ज़्यादा इंसेक्ट या वॉम्ब दिखाई देंगे क्योंकि गार्डन सॉइल जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है तभी प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सॉइल की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उसके गुण बताए गए हैं सॉइल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टेक्स्चर दिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स जो सॉइल का टेक्स्चर होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स की साइज पर डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सॉइल कैन बी क्लासीफाइड इन टू सैंड सिल्ट एंड क्ले और जो सॉइल पार्टिकल्स की साइज़ के आधार पर मिट्टी को तीन प्रकार से बांटा गया है सेंड सिल्ट एंड क्ले सेंड हेज़ द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल क्ले हैज़ स्मॉलेस्ट सोयल पार्टिकल जो सेंड होती है उसमें सॉयल पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और क्ले जो होती है उसमें सॉयल पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं कलर दिस डिपेंड्स ऑन द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रजेंट इन दॉयल सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी प्रजेंट होते हैं यह निर्धारित करता है यह निर्भर करता है कि सॉयल का कलर कैसा है एग्जाम्पल रेड कलर इज ऑप्टेन फ्रॉम आयरन रेड कलर यह शो करता है कि मिट्टी में आयरन की मात्रा उपस्थित है पोर स्पेस द स्पेस बिट्वीन सॉयल पार्टिकल्स इज कॉल्ड पोर स्पेस सॉयल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम पोर स्पेस कहते हैं सैंडी सॉयल विल हैव लार्जर पोर स्पेस देन सिल्टी सैंड। सैंडी सॉइल में सिल्टी सैंड की अपेक्षा बड़े बड़े पोर स्पेस होते हैं नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 139। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मिट्टी का निर्माण द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोजेनेसिस मिट्टी का जो निर्माण होता है निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पैडोजेनासिस कहते हैं सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय बेंड वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी का निर्माण कैसे होता है जब हवा पानी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सहायता से चट्टानों का जो ब्रेकडाउन होता है टूटने की प्रक्रिया होती है तब मिट्टी का निर्माण होता है This process is known as weathering. इसे हम या कहते हैं। ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ वैदरिंग अपक्षय होने के कारण क्या है किन किन के थ्रू अपक्षय होता है हवा के द्वारा जल के द्वारा और लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव जीव होते हैं जो उनके द्वारा होता है वेदरिंग इज डिटरमाइंड बाई फोर मेन फैक्टर्स अब छः की क्रिया जो होती है वो चार प्रकार से प्रभावित होती है चार प्रकार के जो फैक्टर होते हैं वो प्रभावित करते हैं लाइक रॉक टाइप सम रॉक्स ब्रेक मोर इजीली देन अदर कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ब्रेकडाउन हो जाते हैं टूट जाते हैं दूसरे चट्टानों की या दूसरे रॉक्स की अपेक्षा क्लाइमेट एक्सट्रीम हीट कोल्ड फ्लो ऑफ वाटर एंड विंड हेल्प इन वेदरिंग। वेदरिंग में अक्षय में या तो ज़्यादा ताप या ज़्यादा ठंडक या पानी का तेज बहाव या हवा का तेज बहाव सहायता करता है इनके द्वारा अक्षय होता है टोपोग्राफी रॉक्स दैट हैव अ लार्ज एक्सपोज एरिया विल बी ब्रोकन डाउन मोर इजीली जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं बड़े बड़े पत्थरों का बहुत आसानी से टूट जाना है ना ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर चट्टानें बहुत आसानी से टूट जाती हैं वो प्रोसेस कहलाती है टोपोग्राफी प्लांट्स एंड एनिमल्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन टू द रॉक कॉजिंग क्रैक्स एंड ब्रेकेज प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो जिन चट्टानों में ग्रो करती हैं तो उन चट्टानों का क्रैक हो जाना ब्रीकेज हो जाना टूट जाना कारण होता है ठीक है ये प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू होता है लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी हाउ वॉटर क्रैक्स द रॉक्स एक्टिविटी टू में आपको कुछ बताया गया है कि कैसे पानी के बहाव से या पानी के द्वारा चट्टाने क्रैक हो जाती हैं यू विल नीड अ बलून फिल्ड विद वॉटर आप एक बलून को पानी से फिल करिए बिग पेपर डिस्पोजल ग्लास एक बड़ा पेपर डिस्पोजल ग्लास जो होता है वो लीजिए अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड प्लास्टर ऑफ पैरिस इट मींस पी ओ पी एंड टेप्स ये सारा सामान आपको लेना है टाइप वन एंड ऑफ द वाटर बलून विद स्ट्रिंग स्ट्रिंग की सहायता से आपको एक छोर पर पानी भरा हुआ बलून जो है वो बंद कर देना है मेक आ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास आपको ग्लास में एक नीचे की तरफ छेद करना है एंड पास द स्ट्रिंग थ्रो एट और इससे स्ट्रिंग को निकाल देना है छेद से टाई अ नाट ऐट द बॉटम ऑफ द ग्लास ग्लास में नीचे नॉट लगा देनी है उस स्ट्रिंग में एंड टेप आप द होल और होल्स को टेप से बंद कर देना है डोंट फिल द बलून विद टू मच वाटर ज़्यादा बलून में पानी नहीं भरना है नेक्स्ट एड वाटर टू द पी ओ पी पी ओ पी में पानी को घोलना है पानी डालना है एंड देन पोर द प्रिपेयर्ड पी ओ पी और एक पेस्ट टाइप का पी ओ पी का बना के उस ग्लास में पोर कर देना है द पी ओ पी शुड वी फिल्ट टिल इट कम्प्लीटली कवर द बलून आप देखेंगे कि पी ओ पी जो है वो पूरा कवर कर लेगी बलून को ठीक है न पानी भरा हुआ बलून रखा है उस ग्लास में और ऊपर से हमने पी ओ पी का पेस्ट डाल दिया लीव द सेट ऑफ फॉर टू थ्री आवर्स टू ड्राई कम्प्लीटली इसके बाद हमको उसको दो तीन घंटे के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए वैन ड्राई एंड रॉक हार्ड टेक इट आउट एंड पुट इट इन द फ्रीज़र फॉर टू डेज जब वह सूख जाता है एंड वो पी ओ पी जो है वो बहुत हार्ड रॉक की तरह हो जाती है तब उसको निकाल लेना है आसानी से और दो दिन के लिए फ्रीज़र में रख देना है टेक वन ग्लास एंड फिल इट विद पी ओ पी एक ग्लास लेना है उसमें पी ओ पी फिल करना है विदाउट द वाटर बलून मतलब उसमें आ, पानी भरा हुआ बलून नहीं रखना है वेन इट ड्राइज मार्क इट एज़ कंट्रोल कीप इट इन द फ्रीज़र फॉर टू डेज और उसको भी सुखा कर निकाल कर फिर दो दिन के लिए फ्रिज में रख देना है आफ्टर टू डेज़ यू विल सी द क्रैक्स इन द पी ओ पी ऑफ फर्स्ट ग्लास आप देखेंगे कि पहले वाले ग्लास में दो दिन के बाद क्रैक्स आ जाएंगे यू विल फाइंड नो क्रैक इन द कंट्रोल और जो सेकंड वाले में जिसमें हमने बलून वगैरह नहीं रखा था एकदम सही से सेट करके रखा था उसमें कोई क्रैक नहीं आया दिस शो वाटर डिपेंड्स इन द वाटर बलून इसका कारण यही है कि जो वाटर बलून था ना जिस ग्लास में हमने पानी से भरा हुआ बलून पीओपी पी के साथ जमाया था उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो यही कारण है कि पानी जो है वो अक्षय शाय में शहायत करता है नेक्स्ट देखिए सॉइल प्रोफाइल द लेयर्स ऑफ सॉइल आर कलेक्टली कलेक्टिवली नोन एज सॉयल प्रोफाइल जो मिट्टी की लेयर्स होती हैं उन्हें हम सामूहिक रूप से सॉइल प्रोफाइल कहते हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल जो सबसे ऊपरी परत होती है उस मिट्टी की उसे हम टॉप सॉयल कहते हैं इट इज़ वेरी फाइन सॉइल एंड ऑल्सो कंटेन्स द फर्टाइल ह्यूमस इसमें यह मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है और इसमें खाद की मात्रा भी होती है फर्टाइल ह्यूमस होता है इसमें द मिडिल लेयर नोन एज सब्सोयल मिडिल लेयर को सब सॉइल कहते हैं हैव स् इसमॉल साइजड रॉक एंड सॉयल पार्टिकल्स इसमें छोटे छोटे साइज के रॉक्स और सॉयल पार्टिकल्स होते हैं द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ सॉइल रॉक्स आर प्रजेंट इन द लोअर लेयर और सबसे लोअर जो सी टाइप की बेड uh, रॉक जिसे हम बोलते हैं वो जो लेयर होती है उसमें काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं इट डज़ नाट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर इसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर नहीं होता है द बॉटम लेयर इज मेड अप ऑफ अनवैदर्ड रॉक कॉल्ड बेड रॉक और जो सबसे निचली परत होती है उसे हम बेड रॉक कहते हैं आपको नीचे सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज एजेंट ऑफ वेदरिंग और, और इम्पोर्टेंट्स ऑफ सॉइल बताया गया है लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल में आता है शेल्टर फॉर एनिमल्स फर्टिलिटी फॉर प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज है टेक्सचर, कलर एंड पोर स्पेस जो हमने पढ़ा उसको चार्ट पेपर के थ्रू बताया गया है एजेंट ऑफ वैदरिंग के वैदरिंग uh, के एजेंट कौन कौन से हैं विंड वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म सो रीड दिस पार्ट अगेन